हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। सभी को है मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लेडीज़ को। तो आप सब देख रहे हैं, मैं यहाँ पे जो है करवा चौथ के लिए खाना बना रही हूँ, मतलब तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे ना करवा चौथ पे जो है मतलब कंपलसरी है कि कढ़ी चावल तो बनते ही हैं, बड़े वगैरह। बट उसके साथ साथ में मैं यहाँ पे जो है सेवई भी मैंने बनाई है, सेवई बन चुकी है, साइड में कढ़ी भी चढ़ी हुई है, कढ़ी बन रही है अभी, और चावल बन चुके हैं। फिर मुझे अभी सब्जी भी बनानी है और बड़े भी बनाने हैं। और यहाँ पे जो मैं प्याज काट रही हूँ ना, ये मैं पकौड़ियों के लिए काट रही हूँ। कढ़ी में जो पकौड़ी डालते हैं ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्याज वगैरह काट रही हूँ, क्योंकि प्याज डाल के ना पकौड़ी जो है कढ़ी में ज़्यादा अच्छी लगती है। हम लोग ऐसे ही खाते हैं, बट काफ़ी सारे लोग जो है सादा भी बनाते हैं, वैसे भी अच्छी लगती है, बट थोड़ा प्याज व्याज डाल के हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस इसमें मैं हरी धनिया, मिर्च और प्याज और थोड़ा सा ये मैंने जो है मसाला वगैरह डाल दिया है इसमें। उसके बाद जो है मैं पकौड़ियाँ बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे ना फिलहाल सूट पहन लिया था सुबह से, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं तो साड़ी पहन के ना जल्दी जल्दी नहीं हो पाता, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लगता है साड़ी में, इसलिए मैंने सूट पहन लिया था। और बस मैंने कहा सूट पहन के थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाएंगे। और एक हाथ में ना मेरी मेहंदी रह गई थी, क्योंकि उल्टे हाथ में लग नहीं पाती अपने आप से, तो बस ऐसे ही लगा लिया था मैंने। दोपहर में मेहंदी भी लगाई थी, अब मेहंदी तो छुटा ली है, उसके बाद जो है खाना बनाने लगी मैं। तो बस ये कढ़ाई निकाल के इसमें थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसी कढ़ाई में मैं अभी पकौड़ियाँ निकालूंगी, फिर बड़े भी बनाऊंगी और इसी में ही जो है पूड़ियाँ भी निकल जाएंगी। तो बस सब कुछ डाल दिया है इसमें मिक्स करके, जो है यहाँ पे पकौड़ियाँ निकालूंगी। खीर भी बन चुकी है, और एक्चुअली मेरे हस्बैंड घर पे थे नहीं, वो कहीं चले गए थे बाहर। तो स्माइली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी मुझे, और उसको मैं फ़ोन देकर आ गई थी, थोड़ा फ़ोन में कार्टून देख रही, मैं बिज़ी थी, तो मैंने कहा बना लूँ। वरना उसने पता है क्या किया यार, मैं दाल मैंने धो के रखी थी उड़द की बड़े के लिए, और मैंने कहा इसका पानी जब तक छट जाएगा, उसने जाके उसमें भगोने के अंदर पानी था उसमें पूरा डाल दिया, उसने दाल पूरी गीली हो गई। फिर दोबारा से मैंने धो के उसको अच्छे से फिर रख दिया है, अभी देखिए पानी छट जाएगा, लेकिन फिर भी गीली सी दोबारा से वो हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो बस कढ़ी देखिए, कढ़ी भी बनी रही है साथ में, अब पकौड़ी भी बना लेती हूँ यहाँ पे। तो बस तेल भी गर्म हो चुका है, और देखिए ये मेरी बन रही है पकौड़ियाँ। तो मैंने कहा चलो भाई आप लोगों को भी दिखा देते हैं भाई करवा चौथ पे हमारे यहाँ पे क्या क्या बनता है। तो बस मैं आज वही वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। फिलहाल ये कोई बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है, काफ़ी सारे लोगों के घर में मतलब कढ़ी बनाई जाती है, बट काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे मतलब करवा चौथ के दिन कढ़ी नहीं भी बनती है, कुछ सबके अलग अलग मतलब होता है, तो हमारे यहाँ पे लेकिन बनाई जाती है। मेरे मायके में तो नहीं बनती है, मेरी मम्मी नहीं बनाती है कढ़ी, सब्जी पूड़ी खीर ये सब बनाती हैं, बट हमारे यहाँ ससुराल में जो है कढ़ी चावल कच्चे पक्के से ही पूछते हैं। तो बस मैं इसीलिए जैसे यहाँ पे होता है मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा हो जाता है यार करवा चौथ के दिन, ऊपर से मुंबई में ना गांव में तो थोड़ा ठंडा मौसम हो गया, बट यहाँ पे थोड़ा सा गर्म है, तो मतलब गर्मी में गर्म सा लग रहा है, और किचन में काम करो तो मतलब पानी की याद आ ही जाती है कि यार पानी पीना है। लेकिन आज तो करवा चौथ है भाई, शायद चांद देख के ही पानी पिया जाएगा। तो बस पकौड़ियाँ बन गई हैं, थोड़ी सी और रह गई है बनाने के लिए, ज़्यादा तो कढ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं बनानी, थोड़ी ही बनानी है। लेकिन फिर भी इतना सारा मेरा खाना बन गया था ना, कि दूसरे दिन ना मुझे सुबह के टाइम वही खाना ही मतलब खाना पड़ा, क्योंकि व्रत होता है ना तो खाना ज़्यादा खिलता मतलब खिलता भी नहीं है। और पता है एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, करवा चौथ के दिन कोई भी कैसी भी मतलब कढ़ी बनाओ, इतनी टेस्टी बनती है ना, बहुत अच्छी कढ़ी बनती है सच में करवा चौथ वाले दिन की। क्योंकि एक होता है ना कि कुछ भी हम अगर वैसे त्यौहार पे बनाते हैं ना, तो वो अच्छा ही बनता है, क्योंकि उसका जो मतलब भोग होता है वो भगवान पे लगता है, इसलिए हर चीज़ अच्छी ही बनती है। तो बस साथ में देखिए ना, यहाँ पे मैंने जो है नीचे दाल भी ले ली है, उड़द की दाल मैंने पीस ली थी, और ये थोड़ी दाल गीली हो गई है, अब देखते हैं कैसे बड़े बनते हैं इसके। हमारे गांव में तो वैसे बनाते हैं चपटे वाले बड़े जो होते हैं, बट वैसे बड़े शायद इसके मुश्किल है, थोड़ा सा गीली दाल हो गई है, तो मैं लेकिन अलग शेप दे दूंगी इसको। मतलब वो जो मेदू बड़ा होता है ना वो वाली शेप दूंगी, देखना अभी। तो बस इसमें मैंने जो है धनिया डाल दी है, मसाले डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है, बस मैं सिंपल ऐसे ही बनाती हूँ, प्याज व्याज तो नहीं डाली है मैंने इसमें, सिर्फ हरा धनिया, नमक, हरी मिर्च,
ये सब। तो मैंने ये चकला भी लिया था यहाँ पे, मैंने कहा अगर वैसा बनेगा तो बना लूँगी, बट वैसा नहीं बना था। तो मैं इस तरह के मेदू बड़ा जो होते हैं ना, ऐसे बड़े मैं इसके बना लिए थे मैंने। है तो वही चीज़ बट शेप अलग हो गई। हमारे यहाँ थोड़े जैसे पूड़ी होती है ना, उस तरह के चपटे से बनते हैं बड़े, तो वैसे बनाए जाते हैं बट है वही चीज़। तो मैंने इस तरीके के बना लिया ये मेदू बड़ा, जो नारियल की चटनी के साथ यहाँ पे मुंबई में मिलते हैं। घर पे कई बार बना लेते हैं ऐसे, तो हम वैसे ही नाश्ते वगैरह के लिए भी। तो बस ऐसे ही बड़े मैंने सारे बना लिए थे। और इसमें जो है कच्चा पक्का पूछते हैं, तो बड़े तो है ही कंपल्सरी, कढ़ी चावल ये सब चीज़ें बनाई ही जाती हैं। स्माइली ना जिस दिन त्यौहार होते हैं ना, उस दिन और ज़्यादा परेशान करती है, वो सोती भी नहीं है। उसको पता है कि आज कुछ ना कुछ है, तो भाई सोना नहीं है आज, तो मम्मी को परेशान ही करना है। और इनको भी कुछ काम था तो ये भी बाहर चले गए थे, बस बहुत परेशान हो गई थी मैं। फिर ये थोड़ी देर में आ जाते हैं, तो फिर स्माइली तब जाके वो शांत होके बैठती है। तो बस बड़े भी बनकर तैयार हो चुके हैं, ये देखिए दिख रहे होंगे आप लोगों को, तेल में से निकाल रही हूँ। तो बड़े भी बन गए हैं। अब इसके बाद फिर अब मैं बनाऊंगी और सब्जी बना रही हूँ। मुझे अभी सब्जी रह गई है, कढ़ी भी बन गई है, कढ़ी की गैस मैंने बंद कर दी है, पकौड़ियाँ डाल दी हैं। अब मैं बड़े बड़े जो है निकाल के फिर उसके बाद मैं कढ़ी भी छोंक दूंगी अपनी। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे क्योंकि मतलब जितने हम लोग वैसे भी कितना खिलता है रात को, ज़्यादा पानी पानी में पेट भर जाता है बड़े बड़े, तो इतने ज़्यादा फिर पूजा के लिए बनाने थे मोस्ट। फिर थोड़े थोड़े बहुत जो है खाने के लिए हो गए, बस ज़्यादा नहीं बनाया मैंने कुछ भी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया और उसमें मैंने पैन में जो है ऑयल डाल दिया। मैं यहाँ पे कढ़ी छौंक रही हूँ। और इस टाइम क्या हुआ ना, जब मैंने इसमें तेल डाल दिया और मैं ये छौंकने जा रही थी कढ़ी, ये देखिए मैंने क्या क्या ले रखा है। वैसे सामान आप लोगों को दिख रहा होगा, प्याज है, एक लाल मिर्च है सूखी वाली, तो उसको मैंने टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं उसके, और कड़ी पत्ता है, एक हरी मिर्च है, और थोड़ा सा लहसुन है। इतने में दी का फ़ोन आ गया था मेरी जेठानी का, तो तेल इतना ज़्यादा गर्म हो गया था ना इतनी देर में, क्योंकि पैन में वैसे भी बहुत जल्दी हो जाता है गर्म। तो मैंने यहाँ पे इसमें हींग डाल दी है और ये थोड़ी सी राई डाल दी है, और तेल बहुत ज़बरदस्त एकदम गर्म हो गया था तेल। और फिर हरी मिर्च डाल दी, कड़ी पत्ते डाल दिए, फिर मुझे नीचे ही रखना पड़ा उसको गैस पे से उतार के, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म हो गया था तेल कि जो भी चीज़ मैं डाल रही थी ना, 1 सेकंड नहीं लग रहा था उसको, मतलब एकदम तुरंत ही वो जल 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 जा रहा था। तो मैंने फिर नीचे रख दिया ना, तो वो थोड़ा सा ठीक हो गया। फ़ोन आ गया तो मैं फ़ोन रिसीव किया, तब तक इतनी देर में बहुत ज़्यादा ही तेल गर्म हो गया था। तो बस फिर मैंने प्याज भी डाल दी, सब कुछ नीचे ही रख के देखिए पक गया। तो बस यहाँ पे ये जो है प्याज भी देखिए हो चुकी है एकदम, और मिर्च तो एकदम ही काली हो गई थी इसमें। लेकिन कुछ भी हो टेस्टी बनी थी कढ़ी। तो बस यहाँ पे हो चुका है, उसमें मैं थोड़ा सा मसाला भी डाल देती हूँ, मतलब धनिया पाउडर और गरम मसाला ये सब डाल के भी अच्छा लगता है मतलब कढ़ी। तो बस इसमें मैं बस थोड़ा सा ना मसाला डाल दूंगी अब, और उसके बाद बस छौंका लग जाएगा कढ़ी का। तो बस देखिए मसाले डाल दिए मैंने यहाँ पे, और बस ये कढ़ी भी हमारी छुक चुकी मतलब। और ये स्माइली देखो ये आगे बगल में, इसको प्यास लगी थी, और एक्चुअली मैंने बड़े में पानी डालने के लिए ये गिलास यूज़ किया था, तो उसमें थोड़ा बहुत वो लग गया था, मेरा हाथ से गंदा हो गया था। तो कह रही मम्मा ये गिलास गंदा हो गया, मैं इससे पानी नहीं पीऊँगी। देखो धो रही है अपने आप साइड में वहाँ पे सिंक के पास, मतलब धो रही थी वो, लेकिन उससे धुला तो है नहीं। फिर मैंने उसको धो के पानी दिया, मैंने कहा लो, मतलब थोड़ा सा भी कुछ लगा होता है ना गिलास में तो वो पी नहीं सकती है पानी बिल्कुल भी, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए भाई। तो बस यहाँ पे ये हो चुका है, अब फिर मैं इसको डाल दूंगी कढ़ी में। तो बस कढ़ी का छौंका लग चुका है, और मैडम स्माइली भी किचन से बाहर निकल चुकी है। और फिर बस अब तैयारी कर लेती हूँ सब्जी की, क्योंकि भाई अब सब्जी भी बनाना है। और ना थोड़ा कढ़ी ना थोड़ा ठंडी सी हो गई थी, क्योंकि बंद कर दी थी काफ़ी देर से गैस, फिर बड़े निकालने लगी थी मैं, तो मैंने गैस बंद कर दी थी। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना छौंका लगाने के बाद भी थोड़ा सा और पका लिया जाए। और इतने में फिर शाम हो गई थी, फिर मैंने कहा चलो चाय वाय भी चढ़ा दूँ, तो फिर चाय चढ़ा दी थी, ये भी आ चुके थे और पापा भी थे, तो दोनों लोगों के लिए मैंने चाय चढ़ा दी, कई लोग चाय पी लेंगे। फिर देखिए मैं अब आपको बताती हूँ मैं पनीर किस तरीके से बनाती हूँ। वैसे तो मतलब कई तरीके से बनाती हूँ, पर इस तरीके से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये देखिए मैंने ना यहाँ पे खड़े गरम मसाला डाला है, इसमें मिर्च है, जो गरम मसाले होते हैं काली मिर्च होगी जैसे, और जो भी होता है मतलब गरम मसाले में। और उसके बाद लहसुन और अदरक डाल दिया इसमें,
और उसके बाद प्याज डाल दी। इन सबको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है, हल्का सा ही रोस्ट कर लेना है, मतलब हमें रोस्ट करना है इसको। और फिर यहाँ पे मैंने लिए हैं ये 4 टमाटर हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं थे, मतलब मीडियम साइज़ के टमाटर थे। इसमें थोड़ा टमाटर से अच्छी ग्रेवी आती है पनीर में, इसलिए थोड़ा सा टमाटर ज़्यादा यूज़ होता है। प्याज मैंने एक ही यूज़ करी थी, और लहसुन भी आप लोगों को दिखाई होगा प्लेट में कितना था। और फिर मैंने ये टमाटर जो है इसमें डाल दिए, और टमाटर को भी हमें जो है बहुत ज़्यादा देर तक मतलब नहीं पकाना है, थोड़ा ही पकाना है। ये देखिए इतना पक जाएगा ये। उसके बाद मैंने गैस बंद कर दी है, और अब मैं उसके बाद इसको जो है मसाला पीसूंगी इसका मिक्सर में डाल के। तो बस अब मैं जार में इसको डाल दूंगी और उसके बाद इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूंगी। तो मैं ऐसे ही पनीर कई बार बनाती हूँ, और सीरियसली फ्रेंड्स जब से मैं इस तरीके से बनाती हूँ ना, मुझे बड़ा मतलब बहुत अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी। इनफैक्ट पापा पनीर की सब्जी ना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, उनको पनीर ज़्यादा पसंद नहीं है, बट इस तरीके से मैं बनाती हूँ ना तो वो मतलब पनीर उनको अच्छी लगने लग गई है फिलहाल अब। तो बस यहाँ पे मैंने जो ये मसाला मैंने पीस लिया है, देखिए उसको जार में डाल के मैंने पीस लिया था। उसमें मैं फिर ये गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च ये मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे तेल भी गरम हो गया था, उसमें मैंने जीरा डाला है। और बस ये जो मसाला है वो मैं इसमें डाल दूँगी, और अब ये मसाला भूनेगा तेल में, तो ये मसाला पकता रहेगा यहाँ पे। और इस तरीके से अगर आप लोग बनाएंगे ना, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप बनाते हैं तो आपको पता ही होगा कैसा बनता है, इस तरीके से बहुत टेस्टी बनता है। बट अगर आप नहीं बनाते ना तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सीरियसली मुझे भी नहीं पता था, बट मैंने ऐसे ही मतलब देखा, नेट पे ही देखा था मैंने, यूट्यूब पे, तो बस मैंने वैसे ही मैंने कहा चलो एक बार बना के देखे, बट इतना अच्छा लगा इस तरीके से कि मैं पनीर जो है ना खासकर मोस्टली ऐसे ही बनाती हूँ। और फिर ये चाय भी बन गई थी, तो मैंने कहा चलो चाय बन गई, पापा और इनको फिर मैंने चाय दी। और पनीर के लिए जो ये पनीर के लिए जो ये शिमला मिर्च है और गाजर है, इन सबको भी अब हमें जो है थोड़ा सा तेल में थोड़ी देर तक पका भी लेना है इसको। तो बस मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है, वहाँ पे मैंने तेल डाल दिया उसमें, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अब इन सब चीज़ों को भी मतलब भून लूँगी अच्छी तरीके से, तेल में पका लूँगी। तो उसके बाद ना फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो है क्रीम लिए, ये दूध की जो मलाई होती है ना, ये दूध की मलाई मैंने लिए है, कल का दूध है, कल ही की मलाई है। तो ये फ्रिज में रखी हुई थोड़ा टाइट सी हो गई है, क्योंकि मैं ना मलाई खट्टी वैसे भी करती हूँ घी बनाने के लिए, तो बस वही मलाई है कल की, तो मैंने इसमें डाल दी है। और पनीर में मलाई काफ़ी डाली जाती है वैसे, और अच्छी भी लगती है, तो बस इसकी ग्रेवी को बहुत अच्छी बन जाएगी। तो मलाई जो है उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसमें, और साइड में जो देखिए तेल भी वो गर्म हो चुका है, उसमें मैं डाल दूंगी प्याज। तो बस सबसे पहले हम प्याज डालेंगे, और जब ये प्याज थोड़ा सा जब भुन जाएगी ना, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा पका लेना है इसमें डाल के ये सारा सामान, तो बस ये जो प्याज भुन जाएगी उसके बाद मैं इसमें गाजर डाल दूंगी। थोड़ा देर मतलब थोड़े थोड़े गैप में डालना है, क्योंकि प्याज थोड़ा सा हल्की सी मतलब ब्राउन सी होगी तो हम गाजर डाल देंगे, और गाजर भी हल्का सा होगी मतलब 2 मिनट बाद ही आपको जो है इसमें शिमला मिर्च भी डाल देंगे हम। तो शिमला मिर्च को थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में, तो शिमला मिर्च भी जो है शिमला मिर्च 5 मिनट में लेकिन पकी जाती है, हल्का सा नमक डाल देंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो बस ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से थोड़ा सा हल्का हल्का पक जाएंगी, और फिर जो है इसमें मैं पनीर भी थोड़ी देर में डाल दूंगी। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, पनीर भी डल जाएगा, पनीर भी हल्का सा इसमें तल जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है हम सब्जी में इसको फिर बाद में डालेंगे। यहाँ पर देखिए मसाला भी अच्छे से भून चुका है सब्जी का, तेल तेल जो है ऑयल ऊपर आ चुका है, और मसाला थोड़ा सा भून ही रहा है, भून चुका है ऑलमोस्ट वैसे। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने सोचा जब तक साइड में जल्दी, क्योंकि इतनी जल्दी रहती है ना करवा चौथ पे कि जल्दी से फटाफट काम खत्म हो, तो मैं आटा भी गूंथ लिया मैंने साइड में, देखिए आटा भी गूंथती जा रही हूँ और साथ में ये सब भी देखती जा रही हूँ। पनीर भी डाल दिया मैंने वहाँ पे साइड में, और ये सब्जी का भी अब मसाला जो है भुन चुका है, तेल काफ़ी ऊपर आ चुका है, तो इसको भी चेक करती जा रही थी, क्योंकि मसाला कच्चा नहीं रहना चाहिए भाई, अच्छे से पक जाना चाहिए। वैसे तो हमने सब कुछ पहले से फ्राई मतलब तेल में रोस्ट कर ही लिया था, बट फिर भी अच्छे से पकना चाहिए। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा मसाला कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही थी, और सब्जी तो फिर बनती ही है इस तरीके से अच्छी। तो बस ये जो सामान था ना हमारा, ये सारा अच्छे से हो चुका है, पक भी चुका है काफ़ी, और हम इसमें जो है कढ़ाई में डाल देंगे सब्जी वाली में। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है,
मिक्स करने के बाद 2 मिनट इसको जो है हम पकने देंगे ऐसे ही मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाने देंगे। देखिए मिक्स हो गया। अब फिर हमें जितना इसमें पानी डालना है, मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी क्योंकि ज़्यादा पानी भी नहीं अच्छा लगता मुझे, मतलब पनीर की सब्ज़ी थोड़ा सा मुझे ऐसी ही अच्छी लगती जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी। तो बस ये पनीर की सब्ज़ी यहाँ पे पक रही है, मैंने कहा चलो भाई जब तक मैं थोड़ा पूड़ी वूड़ी भी निकाल लूँ अपनी पूड़ियाँ बना लूँ। तो तेल गर्म हो रहा है तब तो पूड़ी बेल बेल के मैंने रख ली थी, और पता हूँ उस दिन मेरा सारा खाना ना मतलब ज़्यादा ही हो गया था सब्ज़ी भी ज़्यादा बन गई थी, कढ़ी भी बन गई थी। दूसरे दिन सुबह खाना बनाना ही नहीं पड़ा, बस पापा के लिए, पापा को ड्यूटी जाना था तो उन्हीं के लिए सिर्फ मतलब डब्बा बनाया था, बाकी मैंने और मेरे हस्बैंड ने यही कढ़ी और यही सब चीज़ें हम लोगों ने खाई। फिर धनिया सब्जी देखिए हो चुकी है, धनिया धनिया पत्ती डाल देती हूँ उसमें, और इसके बाद ना मैं इसको मिक्स करके और फिर इसमें ना थोड़ा सा मैगी मसाला डालूँगी। मैगी मसाला था मेरे पास तो थोड़ा सा मैगी मसाला डालने से ना सब्ज़ी में अच्छा सा मतलब खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है मैगी मसाले से। तो बस मैगी मसाला डाल दिया है और बस अब सब्ज़ी देखिए बन चुकी है, इसको मैं गैस को बंद भी कर दूँगी अब, और सब्ज़ी भी बन गई है भाई हमारी, पूड़ियाँ भी यहाँ पे साइड में बन गई, मतलब खाना मेरा लगभग जो है ना बन के तैयार हो गया समझ लीजिए, बस पूड़ियाँ निकल जाए सब बन गया है। खीर बनी गई थी, कढ़ी भी बन गई थी, बड़े भी बन चुके हैं, चावल भी बन गए थे, बस पूड़ियाँ भी निकाल लूँगी। तो बस यही चीज़ें हमारे यहाँ पे बनती हैं, मैंने सोचा चलो भाई आप लोगों के साथ भी मैं जो है हमारे यहाँ पे क्या क्या बनता है ये सब मैं शेयर करूँ। और बहुत ज़्यादा यार टाइम भी लग गया था, 4 बजे से मुझे 6:30 बज गए थे सारा काम करने में, उसके बाद फिर झाड़ू वाड़ू लगाई, पोछा लगाया, फिर तैयारी करी पूजा की, क्योंकि साड़ी पहन के फिर नहीं हो पाता जल्दी जल्दी कुछ भी, इसलिए सूट में ही कर लिया था। और आगे का वीडियो देखिए, मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें आपको करवा चौथ की वीडियोज़ मिलेंगी देखने को। तो बाय।